नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को दिखाई हरी झंडी और कहा कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण पूर्ण अधिकार जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बुधवार को भी राजौरी के कालाकोट में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी उतारे गए। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में जेएनके ओपन के तीसरे संस्करण का 4 अक्टूबर से हुआ आगाज, प्रतियोगिता 4 से 7 अक्टूबर तक चलेगी। 4 दिवसीय टूर्नामेंट में होगी 50 लाख पुरस्कार राशि। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प बसोली पश्मीना को मिला जीआई टैग। जम्मू पुलिस ने जम्मू के एक होटल से 2 फर्जी पुलिस अधिकारी किए गिरफ्तार, आरोपियों का बारामूला से है नाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगलवार को जम्मू शहर में आयोजित हुई विपक्षी दलों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला बोले 10 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ करेंगे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता, तलाशी अभियान चलाया गया। एशियाई खेल में भारत ने तीरंदाजी में स्वर्ण, रेस वॉक में कांस्य और अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।